हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से मिक्स ड्राई फ्रूट्स केक बनाएंगे और वो भी बिना अंडे बटर और कंडेंस मिल के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले केक टिन तैयार करेंगे। टिन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसे मैदे से डस्टिंग करेंगे। आप इसमें सेम साइज़ का बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो टिन तैयार है तो अब हम ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करेंगे और बेटर बनाएंगे। तो बाउल में एक छलनी रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा, 1/4 कप बारीक वाली सूजी, आधा कप शुगर पाउडर, आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक। सभी को अच्छे से छान लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 8 से 10 बादाम, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 8 से 10 काजू, तो काजू को भी हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। 15 से 20 पिस्ता, पिस्ता को भी 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। 1/4 कप किशमिश, 5 से 6 खजूर, तो खजूर से गुठलियों को निकाल कर इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 1/4 कप टूटी फ्रूटी। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैदे से अच्छे से कोट करना है। अब हम इसे अलग रख देंगे और हम लेंगे एक बाउल में 1/4 कप घी। आप घी की जगह पर वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं और इसे केवल आधा मिनट फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप हल्का गर्म दूध, 1/2 टीस्पून मिक्स फ्रूट एसेंस और इसे 1 मिनट और फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई सामग्री वाला आधा मिश्रण और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आधा बचा हुआ मिश्रण डालेंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नींबू का रस। इसे अच्छे से मिलाएंगे और तुरंत बेटर को केक टिन में ट्रांसफर करेंगे। इसे 2 से 3 बार अच्छे से टेप करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और अब इसे तुरंत प्रीहीट ओवन में 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखेंगे। तो 30 मिनट बाद केक को हमने ओवन से बाहर निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो केक को हमने ठंडा कर लिया है, अब हम इसे टिन से बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इस पर बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।